हेलो, वेलकम बैक टू स्टडी फोरम। स्टडी फोरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कंप्यूटर का पूरा सीरीज़ कर रहे हैं, उसी के सिक्वेंस में ये नेक्स्ट वीडियो है। यहाँ पे हम शॉर्टकट कीज़ देखेंगे। इसमें सिर्फ विंडोज़ से रिलेटेड शॉर्टकट की देखी जाएगी, ठीक है गाइस? विंडोज़ से रिलेटेड सारे शॉर्टकट्स भी देखेंगे। और भी हमने जैसे एक्सेल पे हो गया, पावर पॉइंट पे हो गया, वर्ड पे हो गया, इनके जो शॉर्टकट कीज़ हैं आप ऑलरेडी चैनल पे हैं, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस हैं, उसमें जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं हमने रख दिया। कंप्यूटर में ये जानते हैं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, कई सारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूरी पूछा था, खासकर बैंक में तो पूछा ही जाता है। तो 5 से 10 मिनट की वीडियो है, आप देख लेंगे, पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर बिना देर करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है कि F1 शॉर्टकट की जो होता है, यूज़ होता है, ये यूनिवर्सल हेल्प होता है। यूनिवर्सल हेल्प मतलब कि ये फॉर ऑल प्रोग्राम, कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में F1 से हमेशा हर जगह हेल्प ही का ऑप्शन आपका मेनू खुल के आता है। सेकंड आता है F2। F2 में देखिए क्या होता है, F2 के लिए रिनेम के लिए होता है, रिमेन सेलेक्टेड आइकन के लिए। जैसे कोई फोल्डर हो गया, कोई आइकन हो गया, उसका आप नेम फिर से लिखना चाह रहे हो, पहले से लिखा हुआ है और फिर से उसको लिखना चाह रहे हैं, तो उसको रिनेम करने के लिए आपको F2 दबा देंगे। F2 दबाने के बाद क्या करते हैं कि उसको फिर से नाम लिख सकते हैं। F3 जो होता है आपका, F3 होता है स्टार्ट फाइंड फ्रॉम डेस्कटॉप, ठीक है, स्टार्ट फाइंड करते हैं डेस्कटॉप से। F4 होता है ओपन द ड्राइव सेलेक्शन व्हेन ब्राउजिंग, ब्राउजिंग के समय जो होता है उसको ओपन करता है ड्राइव सेलेक्ट। F5 क्या होता है, रिफ्रेश कंटेंट्स के लिए होता है, ये जानते हैं आपको, हमेशा रिफ्रेशिंग के लिए F5 का यूज़ हम करते हैं। अब देखिए Alt F4, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Alt F4 और Alt Control F4 दोनों में बेसिक डिफरेंस है, आप इसको देखेंगे क्या होता है कि Alt F4 होता है जब करंट ओपन प्रोग्राम जो आपका रहता है उसको क्लोज करने के लिए होता है, और Control F4 होता है उसके लिए विंडो प्रोग्राम को वो क्लोज़ करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ये दोनों में, देख लीजिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद Alt+Tab का जो यूज़ करते हैं, स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन जो ओपन एप्लीकेशन उसके बीच में स्विच करने के लिए, एक प्रोग्राम से दूसरे एप्लीकेशन में जाने के लिए हम करते हैं। उसके बाद देखिए, एक स्क्रीन शॉट लेना हो यदि आपको किसी का, तो ठीक है, Alt+Print Screen का जो ऑप्शन होता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं करंट प्रोग्राम का। एक और ऑप्शन होता है आपको मैं बता दूं शॉर्टकट की प्रिंट लेने के लिए, उसमें करते क्या है कि विंडोज़ की जो होती है आपकी, उसको +Print Screen वाले बटन को क्लिक करते हैं साथ में, तब भी आपकी स्क्रीनशॉट हो जाती है। अब एक ये क्वेश्चन बनता है आपका कि Alt+Delete ओपन करते हैं तो आपका ओपन टास्क बार के स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टास्क बार मतलब ये होता है कि जो आपके एप्लीकेशन चल रहे होते हैं उसके बारे में बता देता है, आपके सिस्टम के अंदर जो भी एप्लीकेशन चल रही है, सारा का सारा जो भी फोल्डर ओपन रहते हैं उसके बारे में आपको ये इन्फॉर्म करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है Control+Escape। Control+Escape करते हैं ब्रिंग अप स्टार्ट मेन्यू को ये ओपन करता है। उसके बाद Alt+Escape, अब देखिए ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, स्विच बिटवीन द एप्लीकेशन ऑन टास्क बार, ये भी स्विच करता है एप्लीकेशन में टास्क बार पे। Alt+Enter क्या करता है, Alt+Enter करता है ओपन प्रॉपर्टीज़, यानी किसी भी फोल्डर या फाइल को आप सेलेक्ट किए हुए हो उसकी प्रॉपर्टी जाननी हो तो आपको राइट क्लिक करके माउस से नीचे नहीं आना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली Alt+Enter दबा देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाएगा, कितनी साइज़ है वो उस फोल्डर की, या उसमें क्या डायमेंशन है, सारी चीज़ें डिटेल बता देता है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए ये नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, Shift+Del का अगर यूज़ आप करते हो डिलीट का, तो इसमें करता है गाइस कि आपके फाइल को परमानेंटली डिलीट कर देता है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ आप डिलीट करते हो तो आपका वो सेव हो जाता है जाके रिसाइकल बिन में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली परमानेंट आपका डिलीट हो जाता है फाइल, वो आपके रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। तो गाइज़ ये वीडियो बहुत शॉर्ट थी, विंडोज़ के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो शॉर्टकट हमने किया, जो छूट गया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, हम ज़रूर बताएंगे। बाकी का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। गाइज़ चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।